ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੰਗਾਲੀ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਗਾਲੀ ਅੱਖਰ ਬੰਗਾਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰਮ ਬੰਗਲਾ, ਹੋਮ ਸਟਾਈਲ, ਦੇਸੀ ਡਾਈਨਿੰਗ। ਦੇਸੀ ਡਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਡਾਈਨਿੰਗ। ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਚਾਰਲਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਆ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਕਮੇਲਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ मैं कुछ देखा होगा, कोई चार्ल्स उत्थे है, कोई रेस्टोरेंट के उत्थे आया। तो असी वैसे अज आए थे क्योंकि असी इलाके से सोचा इतने जाके दिखाइए कि साडी जी बंगलादेश की कम्यूनिटी है इतने किदा सैटल हुई है। ईस्ट लंडन के इलाका है ब्रिक लेन। इतने चाय वाला भी है, चाय वाला तो ये सारे अजकल फैल गया। तो इतने होर राजमहल स्वीट्स, उत्थे भी बंगलादेश की राइटिंग लगती है। बंगाली कहना चाहिए क्योंकि इंडिया च भी बंगाल हैगा आ। जिथे असी जिथे मैं बिलोंग करती यूपी के, नाल ही साडे हैगा बंगालियां दा कॉलोनी हैगी। देखो चिकन समोसा, वेजिटेबल अनियन भाजी, वेजिटेबल समोसा, इतने स्प्रिंग रोल, पनीर रोल, ये तकड़े रोल है, बड़े मोटे नहीं, पनीर वाले बंदियां दे है। ये छोटे स्प्रिंग रोल, इधर मठियाई हैगी, टर्किश लाइट हैगा, उसे मठियाई, दूसरी गुलाब जामुन भी देखो। वाह क्या बात है, इतने दुकान हैगी है जिथे थानू अपने मिठे मिल जाते हैं, जलेबी, फ्रैश जलेबी मिलती है। जलेबी मैं सो जलेबी खड़क चाय भी हैगी। तो जलेबी जंक्शन से असी जलेबी बथेरी खड़का ली सी। आ देखिए इतने ब्रिक लेन के नज़ारे, मसाला इंडियन फूड, मास्टर शेफ का विनर है 2019-2020। ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਵੈਸੇ ਲੱਗਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ, ਕਦੇ ਚਾਰਲਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਵਿਨਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਆ ਬ੍ਰਿਕ ਲੇਨ, ਜਮਾ ਮਸਜਿਦ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਖਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਫਿਸ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਵੈਸੇ ਇਹ 1700 कुछ दी बनी है आह बिल्डिंग, इन्नी पुरानी मस्जिद तो बाद आए बने, पर बिल्डिंग वैसे जो देखा जाए खड़ी की 1700-1750 के नेड़े बनी है। तो इतने थानू अपनी आ देखो इतने ब्रिक लेन भी लिखिया, तो इंग्लिश दे विच तो बंगाली दे विच भी अखर लिखे हो। शायद मेरा कैमरा तुम दिखा सके। तो देखो बंगाली दे विच भी ये लिखे हुआ क्योंकि बांग्लादेश की जी कम्यूनिटी है, इन्होंने बहुत इतने आके तरक्की की, बहुत मेहनत की, तो जाके फिर इतने सैटल होए। तो रेस्टोरेंट इतने थानू मिलते ब्रिक लेन ब्रासरी बंगालियां दे मूड़े रहन लई। ये 13 पाउंड का एक नहीं, ये 12.99 लिखिया नहीं, 32 पाउंड नहीं, 32.99। ये तो थोड़ा ज़्यादा ही है। देखो कि किस तरह के खाने, वाह जी वाह, इतने का पूरा खाने मिलते सारे। मैं पता नहीं सी आज जी वाह, अरे मिठा बांग्लादेश के खाने देखते हैं इतने शुपर उस्तम निकले। देखो डंपलिंग्स मिलते, चाइनीज खाना इतने, वाह जी वाह, इथियोपिया का खाना। डेजर्ट सेक्शन भी मिलती, इतने फ्राइड आइसक्रीम मिलती। इतने देखो फ्राइड आइसक्रीम इस पाते हैं, बैटर जहाँ पाते थोड़े तरले तेल के पा देते, की मिलता फ्राइड बैटर पा देंगे जो आटा नहीं तो बेसन, हाँ हाँ हाँ, तो फिर थोड़े तरले फ्राई कर लेंगे, तो वह फिर डिजर्ट बन जाता है। थोड़ा ठंडा होंगे बाहरों गर्म। अरे चाइनीज होर आ गया ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟੈਂਡਸ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੇਕਲੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਲੰਡਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਪਨੀਰ ਵਾਂਗੂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਦੇ ਪੀਸ ਕਾਦੇ ਪੀਸ ਆ ਪਤਾ, ਚਿਕਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਨੀਰ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਸਮਝ ਗਏ बल्ले नहीं पराठे हो ता इसे और खाना बल्ले नहीं पराठे या बल्ले नहीं पराठे वाली की हां इसे चाय आ देखो चाय बाबा इसे चाय तक लेनी बनती भाई चाय तो ले लेने एक चाय बाबा हैगा या ता इथों एक चाय खरीददे चाय बाबे चाय किड़े किड़े मिलदी इसे क्लासिक मसाला केड़ा हैगी क्लासिक मसाला मिलदा वीगन मसाला मसाला आ केड़ा है अच्छा एक क्लासिक मसाला आइस्ड वीगन मसाला वाह भी क्या बात है वाह जी वाह ये देखो तो थानू जदों तुसी वैसे तुरे हो वहां तसनु इस तरह दी चीज लभ पवे चाय बाबा दा मेन्यू 3.5 बाबा कावा की है बाबा कावा भी हैगा यार जेडे कावा पीण दे शकीन है ठंड के मौसम के कावा भी बहुत बढ़िया चीज है वीगन वाली है जिन्हां नूं दूध तो एलर्जी है वाह जी वाह चाय रेज दी इहनूं कहंदे चाय नहीं नहीं ये तो चाय पीनी पड़दी है एक चाय लेने पहला ये बनाउंदे उत्तों दूरों पाउंदे कि झक बन जे हाँ लो जी मसाला चाय मिल गई है मसाला चाय पी के देखते हैं वैसे बंदा बहुत प्यार देना बोलता चंगे चंगा मसाला पाया मैंने पता की पाया सुंड पाई बिच सुंड सुंड पाई है अच्छा वही टेस्ट आती ताई नहीं वधिया टेस्ट आती वधिया चायदा दी चाय वधिया लगदी है चाय वधिया लगदी वैसे ये जगह दा मैनूं पता नहीं सीगा इत्थे दा बहुत कुछ निकलिया किदां दे खाने इत्थे किदां दे हर एक कंट्री में लग रहा है कुछ ना कुछ तो हैगा है पिछे देखिया उत्थे सिंगापुर वाला खाना सीगा वो खाना इत्थे जूस बार भी है का वो कुछ है इत्थे दा वो चीज़ां इत्थे मिलदी है मैं तो हैरान है इत्थे देख के कई तरह के खाने मुझे लग रहा है इत्थे घट्टो घट्ट 50 स्टॉल होने हैं 60 स्टॉल तक होने हैं जितना इतने रश हैगा यार उधरले पास जाके ना उधरले पासे बनाने जाके इधर तो पहले भी घूमे सी आप परला पासे बनाओ परले पासे पंजाबी ने पंजाबी ने पंजाबी स्टैंड भी है इधर पंजाबी स्टैंड भी होना है मैक्सिकन स्टैंड भी है मैनू लगता कुछ दिस पिया मैनू इत्थे दिसया गन्ने दा रौ कट दे गन्ने दा रौ आ देखो गन्ना गन्ने दा रौ गन्ने पीछे रखिया ते गन्ना इत्थे हैगा गन्ने रखे हो गन्ने रखे इत्थे नाले बहुत फ्लेवरां दे बनाउंदे इत्थे गां बोर्ड भी लगया है इत्थे मशीन दे विच दी गन्ना पाउंदे फिर उत्थे जूस निकलदा ओदे आ देखो विच ओह पा के पुदीना पा के हुण नींबू दा रस पाउणगे थोड़ा जिहा कईयां कईयां फ्लेवरां दे मिलदे आ मिल रहा है किसी अफ्रीका के बंदे ने इंडिया तो सीखा होना इंडिया की देख के ऑनलाइन गन्ना भी देखो कितना मोटा है अपना इंडिया का गन्ना नहीं है पाकिस्तान का गन्ना और देखो ये गन्ना किसी होर मुल्क तो देखो गन्ना मशीन दे विच प्रेस हुंदा मैं इंग्लैंड च कदे इदां दा रौ बनाउंदे देखिया नहीं किसी ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਚੀਜ਼ ਆਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪਰ ਸਾਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਤੋਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਆਮ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਇਹ ਚੰਗਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੈਰੀ ਪਪੂਲਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਲੇਵਰਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ ਹੈਗਾ 3.5 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ 4.5 ਦਾ ਲਾਰਜ 5.5 ਦਾ 500 ml ਦਾ 6 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਦਾ 11 ਪਰ ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੰਜਰ ਲਾਈਮ लेमन नींबू पैशन फ्रूट पाइनएप्पल फ्लेवर बहुत है अच्छे देखो वाह जी वाह अपने अपने जो इंडिया बनाते होंगे किवें मक्खियां आले दुआले फिरदी होंदियां इत्थे देखो आ गन्ना भी देखो कि इतना मोटा गन्ना देखिया कित्थे देखो आ गन्ना देखो गन्ना बढ़िया चीज है ता शुगर कैन जूस लेके आ गन्ना देखो रखिया पिछे फटे चटी आते हैं साढ़े गन्ने वाले तो बाहर आ गए देखो भीड़ कितनी है ब्रिक लेन की भीड़ तो इतने बढ़िया है इतने ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਾਫੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਸਿਆ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਮੂਰੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਟਰੂਮਨ ਬਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬੇਰ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪਰੇ ਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸ਼ੁਪਰਸਤਮ ਨਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਛੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੂਮਨ ਬਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੈਟਲ ਫੀਲਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਸੀਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਕ ਲੇਨ अपना बंगाल इधर बाहर स्टॉल भी लगे हैं इलाका तो कई स्टॉल लगे हो कई स्टैंड लगे हो चूरस भी हैगे है चूरस इथों लेने हैं तो जे चूरस लेना जा जा क्रेप ले लो इथों लेने हैं क्रेप्स भी मिल जाते हैं तो इथे केड़ा नटेला वाला हैगा यार नटेला स्लाइसेस बनाना वाला स्ट्रॉबेरी वाला कई तरह दे यार पर मेनू तो इतना नहीं हैगा मिठे दा मिठा लवो I'm just choosing, thank you. चूरोस की दुकान पर आ गई हैं और क्रिप्स तो छड़ दिते हैं देखो चूरोस हाँ चूरोस आ देखो आह खड़ाकेदार खाना देखो ये कितने का डिजर्ट है ये मैक्सिको का डिजर्ट है तो इतने चंगा खाते होंगे खड़काते होंगे इदा के खाने मिठा होंगे जो चीज लेके मुक गया रीफिल करना पैना है ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਚੋਰਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪਿੰਗ ਆ ਮੈਂ ਖੋਏ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਖੋਏ ਦੀ ਬਣੀ ਟੌਪਿੰਗ ਆਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਮਕਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚੋਰਸ ਖਾਣਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਿਕ ਲੇਨ ਸਾਡਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਭ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਿਗ ਬੈਨ ਬਾਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਓ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰੰਗੀਲੇ ਲੋਕ ਰੰਗੀਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਆ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਮਕਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ